मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन. डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेशन हम लोग देखेंगे. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विथ व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. ओके, नाउ व्हाट इज दिस मेगास्पोर्स. मेगास्पोर्स मीन्स एग सेल्स. इट इज सिमिलर टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं एंड एग सेल्स की फॉर्मेशन को हम मेगास्पोर्स बोलते हैं. ओके, सो डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन द टू. माइक्रो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज कंपेरेटिवली मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एग सेल्स. एग सेल्स से पॉलन ग्रेन्स बहुत ही छोटे होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर. यू ऑल नो दिस इज द ओवरी इन विच दीज टू आर द इंट्यूबमेंट्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस. सो देयर इज one cell present inside the nucleus and this cell is called as megaspore mother cell or we can say it as a MMC. So why it is called as megaspore mother cells? Because megaspores are formed from these cells only. ये उसकी mother है, that is why it is called as megaspore mother cells. Okay, यहाँ तक clear है point. Now see, there is one megaspore mother cells. This one megaspore mother cells undergoes meiosis division. Meiosis division होता है and it will form four cells. चार cells बन जाते हैं. And what will be the chromosome number? It will be just half. Okay? So these are the four megaspore cells which are formed by megaspore mother cells. Now what will happen? Out of these four, three will degenerate. तीन degenerate हो जाएंगे because they are non-functional and one will remain functional. Now this one cell will further divide by mitosis process and it will divide three times. Three times इसका mitosis division होता है. तो अगर one cell three times divide कर रही है via mitosis division, तो total कितने cells बनेंगे? Just think. Now you see, one cell divide कर रही mitosis से two cells बनाएं. Now two cells they are dividing and forming four cells. Now again these four cells are dividing and forming eight cells. फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन, सेकेंड माइटोसिस डिवीजन एंड थर्ड माइटोसिस डिवीजन. तो ये तीन बार डिवीजन हो गया है एंड नाउ वी आर हैविंग एट सेल्स. यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर हैविंग एट सेल्स. नाउ दीज एट सेल्स दे आर अरेंज्ड इन दिस फॉर्म. Three at the chalazal end, three at micropylar end, two at the center. Okay, so now these three at the chalazal end, it is called as antipodal cells. इसे हम antipodal cells बोलते हैं. And these two at the micropylar end, it is called as synergids. सिनर्जिक्स बोलते हैं. वन लार्जर, सी इट इज क्वाइट लार्जर एज कम्पेयर टू दीज टू सिनर्जिक्स. सिनर्जिक्स से थोड़ा बड़ा होता है. इट इज कॉल्ड एज एग सेल्स एंड दीज टू आर द पोलर न्यूक्लियाई. सी फंक्शंस वी विल सी इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. वहाँ पे हम कंप्लीट फंक्शंस देखेंगे. एंटीपोडल सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं, सिनर्जिक्स के क्या फंक्शन होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. अभी हमारे पास क्या है, एट सेल्स है और एट सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एट सेल्स या एट न्यूक्लियस हम बोले, इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक एट न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई द एम्ब्रियो सैक्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज मोनोस्पोरिक एट न्यूक्लियर सेल्स. तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन कि एट सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उनका अरेंजमेंट. ओके, नाउ और इसको सेवन सेल्स स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पे दीज टू सेल्स, ये दोनों जो न्यूक्लियाई है, ये फ्यूज हो जाते हैं. तो इस ये दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द सेवन सेल्स स्टेज. यहाँ तक बात क्लियर है? एक बार क्विक रिविजन करें. एक मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगो होती है मियोसिस, चार सेल्स बनाती हैं. चार सेल्स में से तीन जो है वो डीजेनरेट हो जाती हैं, सिर्फ एक रह जाती हैं. एक अंडरगो करती है माइटोसिस थ्री टाइम्स एंड इट फॉर्म्स एट सेल्स. तो ये एट सेल्स का अरेंजमेंट है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पॉलिनेशन प्रोसेस. हम पॉलिनेशन प्रोसेस को देखेंगे. पॉलिनेशन एक्चुअली होता है क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा. ये बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा.
ये तो डेफिनेशन करेक्ट है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर? टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्या डिफरेंस है दोनों में? सपोज दिस इज अ फ्लावर, ये फ्लावर है, इसी में एंथर्स प्रेजेंट है, इसी में ओवरी प्रेजेंट है, एग सेल्स प्रेजेंट है. इफ एंथर्स यानी इफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ सेम फ्लावर और अ सेम प्लांट और अ सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर में भी हो सकता है कि पॉलन ग्रेन्स निकल करके स्टिग्मा पे जाए, या तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट फ्लावर में, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए. बात समझ में आ रही? मतलब प्लांट अगर सेम है तो इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. ये थोड़ा कन्फ्यूजनिंग वाला है कि मैनी टाइम्स पीपल कन्फ्यूज कि भाई डिफरेंट फ्लावर है सेम प्लांट का तो हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन में डालेंगे, तो ऐसा नहीं है. डिफरेंट फ्लावर्स है सेम प्लांट का, देन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, बट उसको नेम हम अलग दे देते हैं. जैसे ऑटोगैमी हुआ तो मीन्स सेम फ्लावर, जिप्नोगैमी मीन्स सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स. बात समझ में आ रही? कन्फ्यूजन तो नहीं है? जैसे कि सपोज ये कंप्लीट प्लांट है, इसमें फोर फ्लावर्स हैं, तो अगर इसी के फ्लावर नंबर वन, फ्लावर टू, फ्लावर थ्री, फ्लावर फोर, फ्लावर वन के ही अगर पॉलन ग्रेन्स जो है फ्लावर वन के स्टिग्मा पे जा करके बाइंड कर रहे हैं और तब पॉलिनेशन हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ पॉलिनेशन. बट इन केस व्हाट हैपेंस, द पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर वन इज कॉल्ड ऑन द पॉलन स्टिग्मा ऑफ द पॉलन ग्रेन फोर, देन इट इज कॉल्ड अ जिप्नोगैमी. ये प्रोसेस जो था पहला वाला वो ऑटोगैमी था, नाउ दिस इज जिप्नोगैमी. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस. क्या होता है? सी मैनी टाइम्स हम लोग देखते होंगे कि कई फ्लावर्स के जो पेटल्स है ना वो ओपन रहते हैं. जैसे हम हाइबिस्कस की बात करें तो हाइबिस्कस का जो पेटल्स है वो ओपन रहता है, दैट मीन्स एंथर्स, पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब जो है वो एक्सपोज है ओपन एरिया में, तो इस टाइप के फ्लावर्स को हम बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर. बट वॉट हैपन्स समटाइम्स, अगर हम पी फ्लावर की बात करें तो तुम लोग देखोगे कि जो पेटल्स है ना वो क्लोज रहते हैं, कम्प्लीटली क्लोज, समवट लाइक दिस टाइम, मतलब इस तरीके से क्लोज है. उस इसके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स है, इसके अंदर ही एंथर्स है, इसी के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई जब कम्प्लीटली क्लोज है, इसी के अंदर एंथर्स है, उसी के अंदर स्टिग्मा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन्स आ रहा है और अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है. तो इस टाइप की जो फर्टिलाइजेशन होती है, पॉलिनेशन होती है, इसको हम ऑटोगैमी ही बोलते हैं. बट दिस ऑटोगैमी इज ड्यू टू क्लिस्टोगैमस फ्लावर. बात समझ में आ रही है? इसका एग्जांपल तुम लोग, पी फ्लावर बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, उसके पेटल्स जो रहते हैं वो क्लोज रहते हैं. ओके, नाउ चैस्मोगैमस के भी टू टाइप्स की बता रहे हैं यहाँ पे, एक है होमोगैमी और बर्ड पॉलिनेशन. होमोगैमी क्या होता है? होमो मीन्स सेम ना, व्हेन एंथर्स एंड एंथर्स एंड ओवरी दे आर मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों मैच्योर हो रहा है, एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तो पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो परफेक्टली होगा. सो दिस टाइप के पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज होमोगैमी. बट वॉट हैपन्स इन बर्ड टाइप पॉलिनेशन, बर्ड स्टेज पे ही, जब बर्डिंग स्टेज हो रही है उसी टाइम पे पॉलिनेशन हो गया है, फ्लावर अभी पूरा खिला नहीं है. ये काइंड ऑफ क्लिस्टोगैमस ही एग्जाम्पल समझ लो. क्लिस्टोगैमस में तो ये होता है ना कि मैच्योर होने के बाद भी वो क्लोज रहेगा, लेकिन बर्ड पॉलिनेशन में मीन्स फ्लावर अभी कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ है, अभी बर्ड स्टेज में है, तभी उसका पॉलिनेशन हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द होमवर्क. यू विल फाइंड टू टू एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग, ऑटोगैमी, जिप्नोगैमी, चैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, होमोगैमी, बर्ड पॉलिनेशन. ये एग्जाम्पल्स मुझे प्लीज तुम लोग मैसेज जरूर करोगे. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर द मैसेज. क्रॉस पॉलिनेशन सबको पता है कि डिफरेंट प्लांट्स के अगर फ्लावर का एंथर्स और स्टिग्मा इसके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ कमिंग ऑन टू सी एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. तो जो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज है वही क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है, एंड वाइस वर्सा. जो क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज है वही सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है. तो हम लोग क्विकली हम लोग देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. सी सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट यूज हो रहा है, कम्प्लीटली सेम प्लांट है, कोई बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, यानी न्यू वेरिएशन के चांसेस, न्यू वेराइटीज फॉर्म नहीं होगी. तो ये एक टाइप का डिसएडवांटेज है कि न्यू वेराइटी फॉर्म नहीं हो रही है. जो प्लांट बनता है दैट इज कंपेरेटिवली वीकर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, और इस
एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले सी सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स बहुत ही कम वेस्ट होता है, क्योंकि देखो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रहा है किसी बायोलॉजिकल एजेंट का रिक्वायर करके, तो पॉलन ग्रेन वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इस केस में पॉलन ग्रेन्स आर लीस्ट वेस्टेड, बहुत ही कम वेस्ट होते हैं। ओके, टाइम भी कम रिक्वायर्ड रहता है, टाइम रिक्वायरमेंट इज कम इज लेस। One more example is it is used for maintaining the purity of the characters की purity को maintain कर रहा है। क्यों maintain कर रहा है भाई, क्योंकि बाहर से कोई variety आ नहीं रही है। okay, तो इसलिए ये characters की purity को maintain कर रहा है। अगर अब हम cross pollination को देखें ना, तो same example, अच्छा एक और advantage है कि भैया इसे बाहर किसी बाहर के agents की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये self sufficient है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। No external agent is required. अब हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो जो एडवांटेज है तो वही डिसएडवांटेज है कि प्योरिटी मेंटेन रहती है, यानी कोई एक्सटर्नल फीचर्स नहीं आ रहा है। लीस्ट वेस्टेज यानी इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है, टाइम रिक्वायर्ड इसमें थोड़ा मोर होता है, एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही सब इसके डिसएडवांटेज में चला जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो न्यू वैरायटी क्योंकि इसमें जनरेट नहीं होती, इसमें जनरेट हो जाती है, और इसमें वीकर प्लांट्स होते हैं, इट इज़ कम और क्रॉस पॉलिनेशन में कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर प्लांट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई गेस दिस मच इज सफिशियंट फॉर यू पीपल, आई इतना समझ में आया तुम लोग को, तो इतना तुम लोग प्लीज़ नोट डाउन करना एंड आई विल गिव यू द इमेजेस ऑफ द बुक। तुम लोग कोशिश करना कि वहाँ से थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर करो, बिकॉज आई एम फेसिंग डिफिकल्टी, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभी थोड़ा नोट्स प्रिपेयर करना, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिजी इन मैनी अदर वर्क। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विथ मी, मैं तुम लोग को बुक्स की इमेजेस खींच के भेज दूँगी, वहाँ से तुम लोग प्लीज़ रीड करने की कोशिश करना। ओके, एंड प्लीज़ डू रिप्लाई मी, कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर रिप्लाई करना। ओके, थैंक यू सो मच।